क्या 8वां पे कमीशन नहीं आएगा? क्या 7वां पे कमीशन आखिरी था? तो फिर हमारी बड़ी सैलरी का क्या होगा? हमें कैसे मिलेगी बड़ी सैलरी? इन सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में ये आपका दोस्त रोस्ट मुकेश कुमार देने जा रहा है। गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंड में, और मैं आपका दो प्यारा सा दोस्त आज एक खास खबर लेकर के आया हूँ जो आपके 8वें पे कमीशन से संबंधित है। गाइस आज मैं विस्तार से उसके बारे में चर्चा करूंगा। गवर्नमेंट ने अभी कुछ बदलाव किया है, जो गवर्नमेंट ने अपना मन बनाया है उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिए और कमेंट में करके बताइए क्या अगर 8वां पे कमीशन नहीं आता है तो सरकार उसकी जगह में क्या देने वाली है, कमेंट में जरूर करके बताइए गाइज। तो चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। गाइज आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7वां पे कमीशन आखिरी था, 7वां वेतन आयोग, जाने भविष्य में क्या होगा, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फार्मूला। गाइज इस तरह के सवाल अब हमारे मन में उठने लगे हैं। अगर इस तरह के सवालों का जवाब हमारे पास ना हो तो क्या होगा? लेकिन मैं हमेशा की तरह आपके लिए इन सवालों का जवाब लेकर के आया हूँ। तो गाइज मैं आपको एक एक चीज को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। गाइज देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है। आयोग को लागू हुए तकरीबन 5 साल बीत चुके हैं और अब नए वेतन आयोग के गठन का इंतजार है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी नए सिरे से तय की जा सके। हालांकि इस बीच एक चर्चा यह भी है कि अब सरकार वेतन आयोग की परंपरा को खत्म कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावना यह है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अब कभी ना हो। सरकार सैलरी फिक्स करने के लिए वेतन आयोग के बजाय नए फॉर्मूले को अपना सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्रोइड फॉर्मूले के जरिए भविष्य में सैलरी का निर्धारण हो सकता है। इसके तहत सैलरी को महंगाई और कर्मचारी की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जाएगा और उसके अनुसार ही इसमें इजाफा होगा। दरअसल यह फॉर्मूला वाल्स रूडेल एक्रोइड ने दिया था। उनका कहना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा, ये बेसिक जरूरतें हैं, इनकी कीमतों में इजाफे के अनुसार ही कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए। यही नहीं, 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व करने वाले जस्टिस AK माथुर ने भी यही कहा था कि सरकार को कर्मचारियों की सैलरी पर हर साल समीक्षा करनी चाहिए। जस्टिस साहब का कहना यह था कि अगर हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो हम डीए तो दे रहे हैं, लेकिन उस मुताबिक उनको वो डीए नहीं मिल पाता है और उनकी जो सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती है। यानी कि उनके अनुसार अगर हर साल कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा होगी तो हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी और हम समय के अनुसार हम अपनी सैलरी में भी बढ़ोतरी देख सकेंगे। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर के 18,000 रुपये करने का फैसला लिया था। जस्टिस माथुर ने अपनी सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया कि 8वें पे कमीशन का गठन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरह से होगा या कोई नया फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर उम्मीद जगी है कि अब 8वां वेतन आयोग कभी ना आए और इसकी जगह मोदी सरकार प्राइस इंडेक्स के मुताबिक अब हर साल आपकी सैलरी की समीक्षा कर सकती है और हमें 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा और हर साल हमारी सैलरी में कुछ ना कुछ इजाफा होता रहेगा। ये इजाफा जो होगा हमारे एनुअल इंक्रीमेंट के अलावा होगा। आज मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता दिया है कि 7वां पे कमीशन आखिरी पे कमीशन था, अब सरकार अब 8वां पे कमीशन नहीं लाने का मन बना रही है क्योंकि 5 साल हो चुके हैं 7वें पे कमीशन को आकर के और अभी 5 साल बचे हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको हर साल मार्केट इंडेक्स के ऊपर ही आपकी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी ही खबरें लेकर के आता रहूंगा, कमेंट में जरूर करके बताइए और अगली बार आपको किस विषय के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट में बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई जानकारी ढूंढ करके जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।